ये बहुत ही एक दुखद और चिंतनीय बात है कि पिछले 14 तारीख को ये चुनाव की दौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में जो यात्रा हो रहा था, जो रोड शो, उसी दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विद्यासागर कॉलेज के अंदर जिस तरीके से वैंडलिज्म हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है, और उसके बाद विद्यासागर जो हमारे देश के नवजागरण काल के महान मनीषी हैं, जो शिक्षा आंदोलन के महान प्रणेता हैं, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया है, महान मानवतावादी है, ऐसे एक इंसान के, मनीषी के मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया, ये हमारे आज़ाद भारत में मेरे ख्याल में पहली घटना ऐसा है कि जिस तरीके से विद्यासागर के साथ ऐसे एक सलूक हुआ है। आप सभी जानते हैं नवजागरण के समय में, बाद में भी आज़ादी आंदोलन के दौरान, विद्यासागर ऐसे एक इंसान है, मनीषी है, जिनको सभी सम्मान के नज़र में देख रहे हैं, लेकिन आज उनके मूर्ति तोड़ा गया है, उस कॉलेज में वैंडलिज्म किया गया। हमारे डिमांड है, जो इस तरीके से काम किए हैं बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे आम देश की जनता के से भी ये हमारा अपील है कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, ये छुटपुट घटनाएं नहीं है, ये देश के अंदर जो रूढ़िवाद, सांप्रदायिकता को फैलाने की प्रक्रिया में जो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष विचार को लेके विद्यासागर इस समय आगे बढ़े थे, समाज को ले जाने के प्रयास किया, उन्होंने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को लाने की कोशिश किए, उन्होंने समाज से ये बाल्य विवाह को बंद करने की कोशिश किया, उन्होंने ये विधवा विवाह को आगे बढ़ाने की प्रयास किया, उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जो शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, समाज को जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने की प्रयास किए थे, इस संघर्ष के ऊपर एक चोट देने की प्रयास हुआ है, इसलिए इसका विरोध होनी चाहिए और आम जनता इसके लिए सामने आना चाहिए, ये हमारे मांग है। और हम जनता से भी यही अपील करते हैं, ये आंदोलन सिर्फ एक प्रोटेस्ट में नहीं रुकना चाहिए, जो भी ऐसे ताकत आएंगे जो विद्यासागर जैसे मनीषियों के ऊपर हमला करेंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि कलकत्ता के अंदर में जो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जो गुंडागर्दी करके महान मनीषी नव जागरण के जो महान मनीषी विद्यासागर जी की जो मूर्ति को तोड़ा है, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इस तरीके की सजा होनी चाहिए कि जिससे कि वो आगे ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि पिछले दिनों में भी उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। त्रिपुरा में इन्होंने लेनिन की मूर्ति को तोड़ा था, उसके पहले इन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति को इसी तरीके से खंडित किया था, पैरियर की मूर्ति को भी इन्होंने किया था। इनकी विचारधारा के जो भी विपरीत हैं उसको ये लोग किसी भी तरीके से सहन नहीं कर रहे हैं और अभी यहाँ तक फासिस्ट तरीके से उतर आए हैं कि उनकी मूर्तियों पर भी हमला करने लगे हैं। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा